खबर है मुरादाबाद से, जहां पर मुरादाबाद जनपद के गांव काशीपुर अलीगंज स्थित बने वीपीएस मेमोरियल इंटर कॉलेज में अनुज कुमार को 23 बटालियन एनसीसी में गोल्ड मेडल प्राप्त होने के चलते शिक्षकों द्वारा सम्मान समारोह के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल गाजा यला ने सभी बच्चों को कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया और इसी के साथ सभी को पैम्पलेट देकर सम्मानित किया और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र अनुज कुमार को गोल्ड मेडल देके सभी छात्रों के सामने सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। आइए दिखाते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद वाजिद की एक खास न्यूज। जी, क्या नाम है आपका? साहब, मैं बीपीएस इंटर कॉलेज से रेणु पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं एनसीसी के बच्चों को ट्रेन करता हूँ। अच्छा, आज एक कार्यक्रम हुआ है और गोल्ड मेडल बच्चों को प्राप्त हुआ है आपके स्कूल के, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ प्राप्त हुआ था, कैसे प्राप्त हुआ? जी, मैं आपको बताता हूँ। जो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर होता है, ये हमारा बच्चा कैडेट पहले जिला लेवल पर हुआ, फिर राज्य लेवल पर हुआ, सारे लेवल पार करते हुए राज्य लेवल पर प्रथम श्रेणी इसकी आई है, इसको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। मैं तो यही कहूँगा, इससे प्रोत्साहित होते हैं बच्चे और आगे बढ़ें। मेरे कैडेट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो इस लेवल पर पहुँच गया है। आगे आशा करता हूँ मैं उससे, जो आरटीसी टेन के लिए तैयारी कर रहा है, आगे बढ़े। बेटे, किस चीज़ का गोल्ड मेडल मिला है और क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से मन को खुशी मिल रही है, क्योंकि शिक्षा में ये गोल्ड मेडल पहली बार आपको शायद मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेडल मिलने के बाद मैंने बहुत मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए और मेरी मेहनत का मुझे फल मिला है कि मैंने जीता था, 24 बटालियन में जीता था ये मेडल मैंने। कहाँ गए थे आप? यहाँ गए थे गाजियाबाद। अच्छा, कितने बच्चे थे वहाँ पर और कैसे कैसे क्या क्या किया था आपने वहाँ इस मेडल को जीतने के लिए? मैंने वहाँ पर डांस किया था, परफॉर्मेंस दिखाया था, मतलब जो मेरे अंदर टैलेंट था, मैंने अपना टैलेंट दिखाया था वहाँ पे, उस टैलेंट को देखकर मुझे सर ने मेरे मेडल दिया था। किस तरीके का प्रोग्राम आज स्कूल में भी आपका हुआ है, किस तरह सम्मानित किया है आपको? मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से सम्मानित किया है, मुझे खुद खूब खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर के और मेडल जीता है, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि खूब लगन से मेहनत करें किसी चीज़ को, ये नहीं सोचे कि इसे हम हासिल नहीं करना चाहते हैं। हर कुछ चीज़ हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं अगर लगन हो, मेहनत हो। शिक्षा को लेकर क्या क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? शिक्षा को लेकर कि मेहनत ही करनी चाहिए उसके लिए। मैम, स्कूल का नाम क्या है और आज क्या कार्यक्रम हुआ है और क्या मेडल बच्चों को प्राप्त किया गया है, किस विभाग द्वारा किया गया है और क्या बच्चों को संदेश दिया गया था इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं वीपीएस मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज भोजपुर, आज विद्यालय के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनसीसी कैडेट जो कि आरडी परेड में जिसका सिलेक्शन हुआ था, 5 राउंड पर उसने क्लियर कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लास्ट राउंड पर किसी कारणवश वो रह गया था, लेकिन उसके बावजूद उसको गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जो आज विद्यालय में एक छोटा सा सम्मानित कार्यक्रम था, उसको गोल्ड मेडल यहाँ से प्रदान किया। गोल्ड मेडल किस विभाग से या एनसीसी वगैरह? 23 बटालियन की तरफ से वो उसको मिला था, जो विद्यालय की तरफ से उसको दिया। कितने बच्चों को सम्मानित किया है शिक्षकों द्वारा यहाँ? एक ही बच्चे को, एक गोल्ड मेडल एक ही बच्चे को दिया गया है, लेकिन जो अन्य स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो अन्य विद्यार्थी हैं, कैडेट्स हैं, उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। अच्छा, किस तरीके का संदेश जाएगा इससे मैम आप यहाँ पे जिम्मेवार पद पे? सर, एक बच्चे का जब कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जब वहाँ से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो एक यही सोचा जाता है कि एक अच्छा संदेश रहे और आने वाले जो बच्चे हैं उनसे देख के कुछ सीखें कि हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, हम भी उस जगह तक पहुंच सकते हैं, हम भी आने वाले टाइम में उस गोल्ड मेडल तक ला सकते हैं। और जो किसी वजह से वो बच्चा पीछे रह गया, आने वाले बच्चों को ये भी संदेश मिलेगा कि हम वहां उस चीज़ को क्रैक कर सकें। क्या प्रतीक जागरूक करना चाहेंगी बच्चों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के? गोल्ड मेडल बच्चों को यहाँ प्राप्त हुआ है, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा की जो यहाँ हमने लो जलाई है, हम तो हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ आसपास के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भी विद्यालय से जुड़े हैं, और जो हमसे जुड़े हैं
वो पढ़ाई करें, इंटर यहाँ से करके निकले और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचे।